हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रॉब्लम थर्ड की बात करेंगे. दैट इज बेस्ड ऑन आइसोहाइड्रल मेथड. आइसोहाइड्रल मेथड बेसिकली क्वेश्चन है, दैट इज एरिया बिटवीन द आइसोहाइड्स आर गिवन इन दिस टेबल, ऑब्टेंड इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ. सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास आइसोहाइड्स दिए हुए हैं इन एमएम में. क्वेश्चन में आइसोहाइड्स ये हमारे पास एमएम में दिया हुआ है आइसोहाइड्रल लाइन, और यहां पर हमारे पास एरिया दिया हुआ है. सो एरिया बेसिकली किलोमीटर स्क्वायर में. सो दैट इज आइसोहाइट 75 दिया हुआ है. यहां पर हमारे पास ये 90 दिया हुआ है, ये 100 है, 125 है, 140, 150, 165 and 180. यदि हम एरिया इनक्लोज करें इन दोनों आइसोहाइट्स के बीच में, तो एरिया इनक्लोज होगा दैट इज 60 किलोमीटर स्क्वायर. यहां पर हमारा सेकेंड 90 और 100 के बीच का यदि एरिया देखते हैं तो 275. यदि हम बात करें 100 और 125 के बीच में एरिया कितना इंक्लोज हो रहा है, दैट इज 260. यदि हम बात करें इन दोनों के बीच के एरिया में, तो दैट इज 150, 380, 215 एंड 120. यहाँ पर इन दोनों आइसोहाइट्स के बीच में एरिया इंक्लोज है. सो बेसिकली हमारे पास ये कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ है. यदि हम लोग इस मेथड में, वी ऑल नो दैट कि आइसोहाइट्स हमारे क्या होते हैं, दैट इज इक्वल रेनफॉल की जो भी लाइन हम ज्वाइन करा रहे हैं, दैट इज इक्वल रेनफॉल जिन पॉइंट्स पे आ रही है उनको हम एक लाइन से डिनोट कर रहे हैं, तो वो लाइन क्या होती है, आइसोहाइट्स होती है. और हमारे पास एवरेज डेप्थ निकालने के लिए या फिर एवरेज मीन प्रेसिपिटेशन निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास आइसोहाइट्स का है, दैट इज एवरेज डेप्थ इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 1 प्लस P2 प्लस P3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 2 प्लस P3 प्लस P4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 3 प्लस P4 प्लस P5 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 5 डिवाइड बाई 2. नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज प्रेसिपिटेशन की वैल्यू, P5 प्लस P6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 5 प्लस P6 प्लस P7 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया 6 लास्ट, दैट इज P7 प्लस P8 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, दैट इज A7 एरिया 7 जो कि लास्ट एरिया है, होल डिवाइडेड बाई दैट इज एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 प्लस एरिया 4 प्लस एरिया 5 एरिया 6 प्लस एरिया 7 प्लस एरिया 8. यहां तक अभी एरिया 7 ही दिया हुआ ऑलरेडी, तो एरिया 7 तक हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट यदि हमें मीन प्रेसिपिटेशन फॉर्मूले बेस्ड यदि गिवन डेटा में लिखना है, तो हम लोग मीन प्रेसिपिटेशन बेसिकली हमारा प्रेसिपिटेशन 1 है, दैट इज 75 mm प्लस 90 mm हम दिया हुआ है ऑलरेडी डिवाइड बाई 2. एरिया 1 हमारे पास कितना दिया, दैट इज 60 प्लस सेकेंड वाला हमारा दैट इज मीन प्रेसिपिटेशन कितना है, 90 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई हमारा मीन प्रेसिपिटेशन एरिया कितना दिया हुआ, दैट इज 275 किलोमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट हमारे पास यदि मीन प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है 100 प्लस 125 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी दी हुई है, 260 प्लस
नेक्स्ट हमारे पास मीन प्रेसिपिटेशन दैट इज 125 प्लस 140 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 150. नेक्स्ट यदि हम देखें मीन प्रेसिपिटेशन की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, दैट इज 140 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास नेक्स्ट एरिया क्या दिया हुआ है 150 के बाद 380. नेक्स्ट यदि हम देखें प्रेसिपिटेशन की वैल्यू तो 150 दी हुई है, 165 दिया हुआ है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय हमारा एरिया दैट इज A6 हमारे पास दिया हुआ है 215. नेक्स्ट यदि देखते हैं हम लोग मीन प्रेसिपिटेशन 165 प्लस 180 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय यदि मीन नेक्स्ट एरिया हम लास्ट एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A7 तो ये हमारा दिया 120. यदि इनको हम डिवाइड करेंगे होल डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे एरिया दिए हुए हैं दैट इज A1 60 दिया हुआ है, A2 275 दिया हुआ है, A3 हमारा 260 दिया हुआ है, A4 हमारा 150 दिया हुआ है, A5 हमारा 380 दिया हुआ है, A6 हमारा 215, A7 हमारा 120. इतना हमारा एरिया दिए हुए हैं. नेक्स्ट हमारा मीन प्रेसिपिटेशन बेसिकली यहाँ पर निकल के आता है दैट इज 130.04 mm. यहाँ पर हमारा मीन प्रेसिपिटेशन निकल के आता है दैट इज 130.04 mm. सो दिस मेथड इज बेसिकली बेस्ड ऑन आइसो हाइट्स मेथड और यहाँ पर हम लोगों ने मीन प्रेसिपिटेशन 130.04 mm निकाला है. थैंक यू वेरी मच.